और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SDM ज्योति मौर्य अब यहाँ पर बयानों से पलटती हुई नजर आ रही है। ज्योति मौर्य अब आलोक मौर्य पर भी सवाल खड़े कर रही है। ज्योति मौर्य अब आलोक मौर्य के खिलाफ एक्शन लेने की बात करती हुई दिखाई दे रही है। जब से SDM ज्योति मौर्य के खिलाफ पूर्व अमिताभ ने ये साबित किया है कि जमीनों का घोटाला ज्योति मौर्य ने किया है, करोड़ों की हेरा फेरी ज्योति मौर्य ने की है, जब से यहाँ पर आलोक मौर्य ने डायरी का जिक्र किया है कि सारा लेन देन ज्योति मौर्य उस डायरी में लिखती थी, उसके बाद यहाँ पर एक जांच बिठाई जाती है ज्योति मौर्य के खिलाफ। जो अधिकारी यहाँ पर जांच करते हुए नजर आ रहे हैं वो ज्योति मौर्य की डायरी की भी जांच कर रहे हैं, ज्योति मौर्य से पूछताछ की जा रही है। इसलिए ज्योति मौर्य को जिस जगह पर बुलाया गया था उस जगह पर जाकर ज्योति मौर्य ने अपना बयान भी दर्ज करवाया है और इसी बयान के आधार पर अब जांच तेज हो चुकी है। ज्योति मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि जिस डायरी का जिक्र आलोक मौर्य कर रहे हैं उसमें मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं, मैंने ये डायरी लिखी ही नहीं है। यहाँ पर झूठ फैलाया जा रहा है कि डायरी मेरी है और लेना जो लेखा जोखा लिखा गया, जो भी हिसाब पैसों का लेन देन हुआ है, मैंने उस डायरी में लिखा है। ज्योति मौर्य साफ इनकार करती हैं। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य पर ही सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है कि जानबूझकर आलोक मौर्य यहाँ पर मुझे फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से मैंने दहेज का आरोप लगाया है, जब से मैंने ये खुलासा किया है कि इसने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है, उसके बाद से यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि आलोक मौर्य एक के बाद एक कई सबूत पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इसी पर ज्योति मौर्य का ये खुलासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में क्या अब आलोक मौर्य की बारी है फंसने की, आलोक मौर्य का झूठ पकड़ा जाएगा या फिर ज्योति मौर्य यहां पर गुमराह करने का काम करती हुई नजर आ रही, क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।